कि शनिवार भी याद है। हाँ ये बात तो हनुमान जी महाराज का पावन दिन है। बिल्कुल, तो एक गाना हनुमान जी के चरणों में हो जाए, इसके बाद जैसा आप लोग कहते रहेंगे हम वैसा गाते रहेंगे। बिल्कुल, गाना कह रहा है क्या? क्या कह रहा है गाना? क्या ये तन्हाई मिलती है, मिलती है यहाँ बढ़िया और थोड़ा स्टाइल से छोटे वाह क्या बजाते हो बेटे, एक एक बोल समझ आते जब तुम बजाते हो। अरे उल्फत में लोगों को कभी मंजिल नहीं मिलती, सुनो भक्ति भाव हेलो तन्हाई मिलती है, महफिल नहीं मिलती, उल्फत में लोगों को कभी मन ये दिल टूट जाता है, अरे बदनाम होता है, ये दिल टूट जाता है बदनाम होता है, राहें मोहब्बत में कभी अंजाम होता है। इस जमाने करते हैं, वाह क्या बात है, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्द दिल दिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्द दिल दिया करते हैं। छोटे वाह। और आप भैया हमारे बड़े भैया पिंटू मना खेड़ा आज तो 51 पे आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साजवाद। दिल के बदले दर्द दिल दिया करते हैं, वाह बेटा वाह, क्या लहर है, ये जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।
क्यों लोग वो बात किया करते हैं, जाने क्यों लोग वो बात किया करते हैं। आओ 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 हमारे वीरों। अरे वाह, आओ आपका स्वागत है। और क्या इतने दौड़े भाई, उतरावा से चल के आए, हमारे सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आइए, आपकी व्यवस्था बढ़िया, आप चाहो तो मंच के ऊपर बैठ जाओ। और क्या, आओ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम लोग नीचे बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल आओ आओ भाई। कहना क्या गाना कह रहा है क्या, और आपने कथा भी श्रवण की है, तो जाहिर सी बात है कि प्रभु राम का भी जिक्र आया होगा। बिल्कुल। तो गाना कह रहा है क्या, ये मांगी नाग न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना, अरे केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटोता बरी ले आवा। लेकिन कहना पड़ा क्या, क्या करना पड़ा बेटे, के बट की समीक्षा में क्या बात बेटे, अरे वाह, केवट की समीक्षा में सबरी की प्रतीक्षा में, केवट की समीक्षा में सबरी की प्रतीक्षा में, श्रीमान मान हनुमान रघुवर, श्रीमान मान हनुमान कपिवर की परीक्षा में। वाह, तो कहना पड़ा रोशनी जी क्या बड़े, के एक ने एक टक निहारा है और एक ने ये जीवन गुजारा है। एक टक निहारा यानी केवट और जीवन गुजारा यानी सबरी ने, अरे एक ने ये एक टक निहारा है, एक ने ये जीवन गुजारा है, एक ने ये एक टक गुजारा है, ये जीवन गुजारा है, तो हनुमान का प्रमाण खुद सीना फाड़ा है। हो जा हो, तो कहना पड़ा क्या, अरे संत जाने जाते हो छोटे, संत चले ने सुनो सुर जाने, कहा है जन जन ने मेहंदी, कहा है जन जन ने क्या, कहा क्या, जहां पर भक्त हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो, जहां पर भक्त हैं भगवान वही रहते हैं, और जहां भगवान है हनुमान वही रहते हैं, वहां भगवान है हनुमान वही रहते हैं, जहां भगवान है हनुमान वही रहते हैं, जहाँ भगवान है। हाँ बिल्कुल बेटे, हनुमान वही रहते हैं। और हमारे भाई संतोष भैया जी, और क्या, संतोष शर्मा जी आज तो 51 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अरे हम जानते हैं, आइए दूसरी लाइन कह रही है क्या, कहना पड़ा, सरभंग के नैनन में, ए नैनन में, अरे नैनन में, अरे नैनन
इतना खुल के बजा रहे हो। शाबाश बेटे शाबाश। सरभंग के नैनन में, विभीषण के पैनन में, सरभंग के नैनन में, विभीषण के पैनन में, नंदी ग्राम में बैठे भरत जी के असुवन में। बहन जी गाना सुनिए, समझते रहिए, इसमें ये भी लगा। आप हैं भैया मुन्नू लाल गुप्ता जी, गंगा अशोक क्रॉसिंग आदर से 51 पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भैया भगवान दीन मिस्त्री जी मनाखेड़ा आदर से 51 पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साजवाद। लाइन कह रही है क्या, सरभंग के नैनन में, विभीषण के पैनन में, नंदी ग्राम में बैठे भरत जी के असुवन में। तो एक ने कनक धाम त्यागा है, एक ने कनक धाम त्यागा है, और एक ने अवध धाम त्यागा है। कनक धाम त्यागा विभीषण ने, अवध धाम त्यागा भरत जी ने, तो कहना पड़ा क्या? एक ने कनक धाम त्यागा है, और एक ने अवध धाम त्यागा है, तो एक ने स्वयं भक्ति हित स्वर्ग धाम त्यागा है। तो कहना पड़ा क्या, कहना पड़ा कहां सुजने भैया हमारे परम सत्य रमेश भैया मलके गांव आदर से 51 पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साजबात। कहना पड़ा क्या, कहा सुजने और महाजने, अरे कहा है जन जन ने, क्या कहा, क्या क्या कहा बेटे, जहां भक्ति है, ये बात राजा भाई ध्यान दो, जहां भक्ति है भगवान वही रहते हैं, पर जहां भगवान है हनुमान वही रहते हैं, जहां भगवान है हनुमान वही रहते हैं, जहां भगवान है हनुमान वही रहते हैं। जब रहते हैं तो कहना पड़ा क्या, कहना पड़ा ए जहां हो सदा भावना, बहुत देर तक बजा दी बेटे, जहां हो सदा भावना,
जहाँ धर्म पर होता अधर्मों का प्रभाव ना। वाह बेटा वाह, तो कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा बेटे? सुनो भक्ति भावों में, भक्त के स्वभावों में, सुनो भक्ति भावों में, भक्त के स्वभावों में, तो आते हैं खिचे भगवान भावना के प्रभावों में। वाह, जब खिचे आते तो कहना पड़ा, क्या बात है, क्या बात सवरिया जी, कहा है सुजन ने, श्रीवास्तव जी क्या? अरे वाह श्रीवास्तव जी वाह। अरे जहाँ है भावना, अरे वाह, जहाँ है भावना, श्रीवास्तव जी आदरणीय देख लियो और क्या, जहाँ है भावना भगवान वही रहते हैं। और श्रीवास्तव जी बात ये भी है, क्या क्या है बेटे? जहाँ भगवान है हनुमान वही रहते हैं, जहाँ भगवान है हनुमान वही रहते हैं, जहाँ भगवान है हनुमान वही रहते हैं। जैसे आप लोग कथा सुन रहे थे, हाँ, भगवान की कथा हो रही है तो जहाँ हरि कथा होगी वहीं हनुमान जी आ जाएंगे, वाह, जहाँ हरि होंगे वहीं हनुमान जी आ जाएंगे, लेकिन मेरी बात ही वही कही रही है, जहाँ भगवान है हनुमान वही रहते हैं, पर जहाँ भगवान है हनुमान वही रहते हैं, भगवान है हनुमान वही रहते हैं, सपना छोटू। एक जानकारी बता दें, थोड़े ये जो भाई हमारे आए हैं उतरावा से, ये नवयुवक कमेटी है और ऐसे थोड़े, और ये सब 26 साल 25 साल 23 साल 24 साल के हैं, और आधार कार्ड में भी यही उम्र सही है एकदम। हाँ वो बात सही है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल कमेटी जो है 40 के ऊपर मिलती है लेकिन ये 30 के नीचे है, अगर ये चाहे तो अपने पैसों से नौटंकी करवा सकते हैं, हाँ, चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन ये धर्म में इतना आगे हैं कि लोग कीर्तन करवाते हैं, ये बात। तो मैं चाह रहा हूँ इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दें कि हमारी नवयुवक जो पीढ़ी है वो कीर्तन के लिए आगे बढ़ रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग आए हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भगवान है हनुमान वही रहते हैं, 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 और जहाँ भगवान है हनुमान वही रहते हैं, जहाँ पर भक्त है हनुमान वही रहते हैं, जहाँ भक्ति है भगवान वही रहते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि ये प्रशस्त बयसवारा की पावन पवित्र भूमि है, चाहे वीरता की प्रशस्त बयसवारा की मिसाल ले ली जाए या लेखनी की, यहाँ का गौरवगान इतिहास में वर्णन है, तो चंद पंक्तियां भैया सचदेवा शरारती जी के सम्मान में पढ़ रहा हूँ। जनता जनार्दन से एक विशेष निवेदन कर रहा हूँ, कलाकार कोई बड़ा नहीं होता है, कलाकार को बड़ा आप लोग बनाएंगे अपने तालियों के माध्यम से, जिसका कार्यक्रम अच्छा लगे उसके चक्र में अवश्य तालियां बजाइएगा, और जिसका ना अच्छा लगे बिल्कुल मत बजाइएगा, क्योंकि आप लोगों ने किसी का कर्जा नहीं खा रखा है।
अगर बात अच्छी लगी हो तो जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मैं चंद पंक्तियां सचदेवा शरारती जी के सम्मान में पढ़ रहा हूं कि विचार अपने महान रखते हैं सचदेवा शरारती जी, विचार अपने महान रखते हैं सचदेवा शरारती जी, परिंदों से भी ज्यादा उड़ान रखते हैं सचदेवा शरारती जी, परिंदों से भी ज्यादा उड़ान रखते हैं सचदेवा शरारती जी। अरे समेट देते हैं हिंदू मुसलमान दोनों को प्यार से, क्योंकि स्वयं सीने में हिंदुस्तान रखते हैं सचदेवा शरारती जी। चंद पंक्तियां मैं इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सम्मानीय श्री राम दुलारे गुप्ता जी, बहुत लोगों के पास धन वैभव इतना भरा हुआ है लेकिन कीर्तन और श्रीमद् भागवत करने का सामर्थ्य उन्हें ईश्वर ने खुद ही नहीं प्रदान किया है, तो ये सौभाग्य का विषय है। एक कविता सम्मानीय गुप्ता जी के सम्मान में मैं पढ़ रहा हूं, अगर बात अच्छी लग जाए तो जोरदार तालियां बजाना। परम आदरणीय सम्मानीय इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री राम दुलारी गुप्ता जी व आपके समिति के जितने भी सक्रिय सदस्य गण हैं, मैं सबके सेवा में समर्पित कर रहा हूं कि कदम कदम पर गुप्ता जी आपका नाम होगा, आपके कदमों पर दुनिया का सलाम होगा। अरे इसी तरह आप जुड़े रहे धर्म के कार्यों में तो एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। अब जनता की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे कि आधा घंटा बाधक बने, मात्र चार लाइन पढ़ के महानगर कानपुर से विख्यात कीर्तन गारा सम्मानिया श्रीमती रोशनी अंजान जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि शक्ति स्वरूपा माताएं बहने भी इस कार्यक्रम को हमारे सुन रही हैं। तो मैं आपके सम्मान में पढ़ रहा हूं कि ललिता विशाखा राधा रानी बेटी न होती, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी न होती, यशोदा दुलारे नंद नंदन जाता कौन। अरे अनसुईया जैसी बेटी तप साधिका न होती तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र को पालने में झुलाता कौन। अरे जनता जनार्दन बताए एक बात मुझे, सावित्री न होती तो सत्यवान को बचाता कौन। आइएगा सम्मानिया श्रीमती रोशनी अंजान। उल्फत में लोगों को कभी मंजिल नहीं मिलती, तो दिल टूट जाता है, बदनाम होता है। राहें मोहब्बत में कोई अंजाम होता है, कितने घर फूंके तो जाने क्यों, अरे जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। एक से नहीं आजकल तो गिनती बाहर हो जाती है, इतनी मोहब्बत तगड़ी हो गई है कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। दिल के बदले कर दे दिल लिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। क्योंकि कहा गया है ये इश्क का समंदर है है, ना जाने क्यों डायल कर देते हैं।
हैं नंबर, ना जाने क्यों डायल कर देते हैं नंबर, जबकि जानते हैं ये रॉन्ग नंबर है। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद है। करते हैं ये हमारे भैया की तर्ज हो गई, सुंदर सी लाइनें आई हैं, हमारे भैया ने गाया है। जहां है भक्त भगवान वहीं रहते हैं, जहां भक्ति भगवान वहीं रहते हैं, जहां है भावना भगवान वहीं रहते हैं। सुनिएगा, सुनाइएगा, निवेदन कर रही हूँ, मेरी बात को सुनिएगा। सुनिए, मिला क्या? क्या जब ऐसा मिला आपकी ओर से, निवेदन करूंगी अपने दुलारी गुप्ता जी से भी, संतोष भैया से भी और जितने लोग हैं, कहना क्या? अंजना के आंचल में धन्यवाद है, कहना भगवान की बात हो रही और भगवान दीन मिस्त्री हिलते जुलते चले आ रहे हैं। 51 रुपए का आशीर्वाद है भगवान दीन भैया, बहुत समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, भगवान इनका कल्याण करे, कहना क्या? छोटे भैया पंक्तियां सुनिएगा जवाब की, और आप लोगों से भी निवेदन कर रही हूँ, कैसे कैसे बेटा, जरा लंबा हाथ फैलाना इस बार। रमेश गुप्ता जी मलके गांव से आप आए हैं, आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, सुनिएगा सुनिएगा। अंजना के आंचल में, अंजना के आंचल में, वानरों के महातल में, शिव केसरी पवन, शिव केसरी पवन, शिव केसरी पवन, तीनों के महाबल में। धन्यवाद है शंकर सुवन केसरी नंदन। तो शिव केसरी पवन, तीनों के महाबल में, और किया क्या? अरे दुष्टों को मारा है, भक्तों को तारा है, समय आने पर दुष्टों को मारा भी और भक्तों को तारा भी। तो दुष्टों को मारा है, भक्तों को तारा है,
भगवान के भक्तों का भक्त तब बना सहारा है। वाह बेटे। भगवान के भक्तों का भक्त तब बना सहारा है। तो कह रही हूँ छोटे भैया, अरे सुना गुरुवर से, कहना क्या, अरे सुना गुरुवर से, गुरुओं से सुना और सुना मुनिवर से, और राम ने जाते जाते कहा कपिवर से, राम ने जाते जाते कहा कपिवर से, और क्या कहा, क्या कहा हनुमान, जहाँ हरि भक्त हैं। वाह छोटे भैया, देखना अपने आप तालियां बजेंगी। अरे जहाँ हरि भक्त हैं, भगवान राम हनुमान से कह रहे हैं, जहाँ हरि भक्त हैं रघुवीर वहीं रहते हैं। धन्यवाद है। जहाँ हरि भक्त है रघुवीर वहीं रहते हैं, और दुनिया जानती है, संसार जानता है, जहाँ रघुवीर है महावीर वहीं रहते हैं, जहाँ रघुवीर है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वही रहते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये संसार जानता है कि जहाँ भजन कीर्तन होता हनुमान जी पहले आते और बाद में जाते हैं। दूसरी बात सुनिएगा, सुनिएगा, जहाँ हरि भक्त रघुवीर वही रहते हैं, कहना क्या? और देखिए कहाँ रहते मिले। पहली बात कह रही है कि अंजना के आंचल में, और दूसरी बात जब लंका पहुंच गए हनुमान जी तो देखा क्या, क्या विभीषण के आंगन में, सुनाइएगा संतोष भैया। पहली बात कह रही है कि अंजना के आंचल में, दूसरी बात कह रही हो कि विभीषण के आंगन में, विभीषण के आंगन में संतों के चिंतन में, काली नेम कपट करता देखो है उनके सुमिरन में, वो है उनके सुमिरन में, वो है उनके सुमिरन में, राम जो उचारा है आनंद धारा है, छोटे भैया, राम जो उचारा है आनंद धारा है, श्री राम सुमिरन से कुछ भी ना उनको प्यारा है। चाहे जो काम के लिए जा रहे हो, अगर बीच में कोई राम का नाम लेता मिल जाए तो काम अलग है, राम की जगह बैठ गए। तो कहना क्या? अरे सुना ऋषिवर से, सुनिएगा, अरे सुना ऋषिवर से, और भक्त प्रवर से, के पापी भी ना
देखो अपने स्वर से, पापी भी नाम कहे देखो अपने स्वर से। तो छोटे भैया जहाँ हरि सुमिरन, पहली बात कह रही है कि जहाँ हरि भक्त, और दूसरी बात कह रही हूँ जहाँ हरि सुमिरन, हरि का जाप नाम लिया जा रहा हो, जहाँ हरि सुमिरन है रघुवीर वहीं रहते हैं, और जहाँ रघुवीर तो महावीर वहीं रहते हैं। पंक्तियों पर आदरणीय सम्मानी नंद किशोर गुप्ता जी सातनपुर से आप आए हैं, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, और जवाब की पंक्तियों पर ही भैया नीतू गुप्ता हसनपुर हसनापुर, अच्छा आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद है। सभी देनदाताओं को प्रणाम कर रही हूँ, बार बार आशीर्वाद चाहूंगी। और जवाब की पंक्तियों पर मोहर लगाई है सम्मानी भैया रामराज गुप्ता जी, गुप्ता जी के बड़े भाई है, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। आपने 101 रुपए का आशीर्वाद दिया है, आपको भी मैं हृदय से नमन कर रही हूँ, माता रानी कल्याण करे। और भैया पीएल गुप्ता प्रवक्ता जनता विद्यालय इंटर कॉलेज पूरे पांडे निवासी फतेहपुर, आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, जोरदार तालियां आप लोग सब लोग बजा दे, तालियां बजा रहे जैसे पड़ोसी के घर में भुट्टा भूंजा जा रहा है, ऐसा न लगे, कम से कम तालियां ऐसा बजाया करिए, जयकारा ऐसे लगाया करिए जो लोग सो रहे वो भी आ जाए आवाज में, चार पाई सही आ जाए। तो जहाँ हरि सुमिरन है रघुवीर वहीं रहते हैं, जहाँ रघुवीर है महावीर वहीं रहते हैं, जहाँ रघुवीर है महावीर वहीं रहते हैं। हरिभक्त जहाँ हरिभक्त, दूसरी बात कह रही हो कि जहाँ हरि सुमिरन, अब तीसरी बात सुनिएगा, जैसे आपने कहा भक्त भक्ति भावना, उसी प्रकार मिला रही हूँ छोटे भैया। और ये पलाकी, अरे मैं तो पलाकी ही लिखा भैया, मगर पालकी की जगह पलाकी लिख गया है। ग्राम प्रधान मलके गांव, आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, हृदय से धन्यवाद है, आप समझ गए हैं, बाकी चाहे कुछ भी हो बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिए सुनिए अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, भक्त भक्ति और भावना, तो हरि भक्त हरि सुमिरन और कहना के सुग्रीव की रक्षा में, सुग्रीव की रक्षा में दिनकर की शिक्षा में। हमारे संतोष भैया की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद, हमारे जो नाल पर संगत कर रहे हैं जिनका नाम है विजय राजा, लो राजा। और हमारे भैया राम दुलारे गुप्ता जी की ओर से भी 51 रुपए का आशीर्वाद आया है विजय के लिए, हृदय से धन्यवाद है दोनों भाइयों को, माता रानी कल्याण करें। सुने बेटा लंबा हाथ मारो इस बार, कहना है सुग्रीव की रक्षा में दिनकर की शिक्षा में, श्री राम चरित मानस रचू, श्री राम चरित मानस रचू तुलसी की इच्छा में, श्री राम चरित मानस रचू तुलसी की इच्छा में। छोटे भैया सुख का रूप धारा है,
समय आने पर कहीं छोटे तो कहीं बड़े, इसलिए सुख का रूप धारा है, दिया ज्ञान सारा है। और रामचरित मानस ने भक्तों को तारा है। धन्यवाद है। रामचरित मानस ने भक्तों को तारा है। तो कह रही हूँ क्या, अरे सुना रघुवर से, अरे सुना रघुवर से, और सुना पितुवर से, और जग के पालन करता से, सुना उस ईश्वर से। क्या सुना है, जहां हरि गाथा, चाहे छोटे के मुंह से हो रही चाहे बड़े के मुंह से हो रही, जहाँ हरि गाथा है रघुवीर वहीं रहते हैं। धन्यवाद है। अरे जहाँ हरि गाथा है रघुवीर वहीं रहते हैं, और जहाँ रघुवीर तो महावीर वहीं रहते हैं। धन्यवाद है। रघुवीर है महावीर वहीं रहते हैं, जहाँ रघुवीर है।